राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारी योग क्लास में। कैसे हो सभी भाई बहन? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अब अपनी जगह सभी योग करते होंगे। योग एक अनिवार्य विषय है हमारी ज़िंदगी के लिए। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही योग जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन को भी स्वस्थ रखता है, शारीरिक, मानसिक और फिर कुछ हद तक हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो सारे काम खुद करेंगे, डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, दवाई नहीं लेंगे, लाइनों में नहीं लगेंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा और अपने शरीर में खुद देखोगे कैसी चुस्ती फुर्ती आती है। दोस्तों एक बार योग से जुड़कर तो देखो कैसी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आप कैसे मुस्करा मुस्करा के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करोगे। और ये आप हमारे से सीखो, उदाहरण हूँ आप सभी के सामने। ये नहीं है कि मैं अपने मुँह मियाँ मिठू बन रही हूँ, मगर जो भी थोड़ा सा जिसको भी कुछ तकलीफ़ है ऐसे पड़ जाते हैं, हाय ये हो गया, हाय इसको तो लग रही है योगा की, हाय इसको तो योगा की लग रही है, इसने तो कुछ दिखता नहीं, घर में क्या हो रहा है, फलाना के कर रहा, धकड़ा के कर रहा। तो ये ऐसी ऐसी बात है ना, ये और डिप्रेशन में लेने की है। सब कुछ छोड़ो, उस प्रभु पर कोशिश करो अपनी तरफ से 100% ठीक करें। अगर नहीं कुछ अपने से नहीं हो पा रहा तो उस प्रभु पर छोड़ दें, समय आने पर वो अच्छा मजा चखा देता सभी को। कोई भी हुआ हम और आप सब, फिर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हाँ अब ये मैंने उस टाइम पर गलत किया था। मगर कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पर हाँ इंसान को ऐसा मजबूत बना कर निकलती हैं ये ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, तो घबराए नहीं और योग अभ्यास करते रहें। जैसे हमारी बहनों ने सूर्य नमस्कार जबरदस्त किया है और आप सबको पता सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ा बहुत अपना सूक्ष्म व्यायाम किए, वार्म अप किया और सूर्य नमस्कार और कुछ प्राणायाम, 45 मिनट का पैकेज है हमारे जो गुरुदेव जी ने बना रखा है। और 45 मिनट से आप शुरू करेंगे तो आप दो ढाई ढाई घंटे तक आपका शरीर ऐसा मजबूत हो जाता है, खुद आप दो ढाई घंटे तक पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो 45 मिनट जैसे शुरुआत में ज़्यादा लगता है ना, और फिर बाद में सोचेंगे 45 मिनट में क्या होता है क्योंकि फिर स्टेमिना ज़्यादा आ जाता है ना, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, मजबूत हो जाता है शरीर एकदम, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो शरीर में स्ट्रोंग हो जाती है तो कोई बीमारी नहीं आती है। और हम ढीले ढाले पड़े रहते हैं तो ऐसे ही आलस्य में तो फिर बीमारियां घेर लेती हैं। फिर तो 5 मिनट भी नहीं योगा का, बैठ तो जाओ आप आसन में अगर आप इस स्थिति में हो जाते हो तो। और अब हम दो ढाई ढाई घंटे आसन में एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं क्योंकि अभ्यास होता है, अभ्यास जितना होगा उतना ही शरीर ठीक रहेगा। अभ्यास का तो एक इतना अच्छा उदाहरण है हमारे, देखो कवि भी देख गए हुए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। कुएं में से पहले पानी निकालते थे, रस्सी होती थी और पत्थर कितना मजबूत होता था, पारछे में कुएं में से बाल्टी पानी की निकालते थे उस लगा लगा के, तो इतना कट जाता था कि बहुत। आपने कभी पुराने साधकों ने तो देखा होगा, बड़े बुजुर्गों ने तो, या कई बार जैसे आप जाते हो नए भी हैं कहीं पुराने ऐसे इलाके में जाते हो, बहुत पुराने पुराने कुएं होते हैं तो उन रस्सी से पानी खींचे होते तो पत्थर कटे हुए मिलेंगे। तो पत्थर ना कटे इसलिए ऊपर मरवे की साइड एक लोहे की चक्री ही लगा रखी होती थी कि उस चक्री के ऊपर का अपने नेजू डाल ली और उसी के ऊपर से पानी खींच लिया। तो अभ्यास तो इतनी तगड़ी चीज़ है भाई, आप करके देखो। अब बहनों ने अपनी थाइज की, भुजाओं की, कमर की, और हम रोग
की भी करवाते हैं सारी, ये नहीं है कि हम पावर योगा है तो इसमें हम रोग की नहीं करवाते, नहीं जी, सर्वाइकल की है, माइग्रेन की हैं, डिप्रेशन की हैं, कमर दर्द की हैं, घुटनों के दर्द की हैं, एडी के दर्द की हैं, बीपी हाई लो की हैं, और अपने जैसे नीचे के अंगों में कोई भी दिक्कत हो जाती है उनकी भी बंद हैं, त्रिबंध हैं, बहुत सारे पैकेज हैं। देखो सूर्य नमस्कार शुरू में थी और लास्ट में भी हम सूर्य नमस्कार से ही समाप्त करेंगे अपने इस योग क्लास को। और बताना आप सभी ज़रूर करें और करवाएं भी सभी को, ऐसी दिक्कत नहीं भाई, जब सीख लेते हो, जब आपको पूरा आ जाता है तो आप करवाना शुरू कर दें। पर थोड़ी सी जानकारी ऐसी रखें कि जैसे हाई बीपी है तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर हाई बीपी है तो आप उनको जल्दी जल्दी कपालभाति ना करवाएं, और जिसका लो बीपी है उनको जल्दी जल्दी करवाएं। सर्वाइकल है तो गर्दन आगे ना झुकाएं, कमर में दर्द है तो आगे झुकें नहीं, और हर्निया वगैरह है तो पीछे ना झुकें, घुटनों में दर्द है तो घुटनों को मोड़ कर ना बैठे। छोटी छोटी बातें हैं जो अगर साधक शुरू से ही अपनी ट्रेनिंग के बाद में सीख लेता है तो फायदे में रहता है, या फिर जो 3 महीने की ये हमारी क्लास होती है प्रैक्टिकल, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सूर्य नमस्कार आज तो बहुत बार हो चुकी है, शुरुआत में की हमने सूर्य नमस्कार और वीडियो के आखिर में भी। सूर्य नमस्कार से अपना शरीर का पूरा फैट बर्न होना शुरू हो जाता है, हर एक अंग का। ये ना मानना कि सूर्य नमस्कार से कुछ नहीं होता, ये अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है, और कुछ करो ना करो ये सूर्य नमस्कार वारम आपके बाद करें, क्योंकि हल्का मोटा शरीर को हिलाएं डुलाएं हाथों पैरों को, जब शरीर में गर्माहट आ जाए तो फिर सूर्य नमस्कार, जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना ही करें, 5 बार शुरू करें शुरुआत में, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ाते जाएं, फिर तो 10 बार कर लें, 15 बार कर लें, 5-5 फिर बढ़ा दें, ज़्यादा हिम्मत नहीं है तो 1-1 बढ़ा दें, धीरे धीरे 25-30 पर ले जाएं। और जब शरीर में स्टेमिना आ जाता है तो जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं, और वो जल्दी जल्दी का भी अपना अलग